साथ देख रहे सभी दर्शकों का एमएस निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और इंद्री में आपको हम दिखाएंगे पीआर धान जो है उसकी खरीद। सरकारी बंद है लेकिन बाहर पीआर धान लिए किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं, कर्मचारी क्या कह रहे हैं और किसान क्या कह रहे हैं, सभी से बात कराएंगे। लेकिन कई दिन हो गए किसान बाहर लंबी लाइनों में खड़े हैं। आखिर किसान क्यों खड़े हैं जब उनको मना कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके किसान खड़े हैं। उनको उम्मीद है कि शायद सरकारी खरीद धान की शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। गेट पास जो काटने वाला कर्मचारी है वो क्या कह रहा है वो सुनवाएंगे आपको, और किसान क्या कह रहे हैं वो सुनवाएंगे। लेकिन आप इस समय लंबी लाइनें देखिए। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ किसान भी शायद यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग धान लेके आ रहे हो? धान लेके नहीं आए? किसके ट्रैक्टर आए? ट्रैक्टर किसके हैं? न्यू जड़ा है, है? न्यू जड़ा भाई ये लंबी लाइनें आप देख रहे हैं। ये जितनी भी लंबी लाइनें हैं ये सभी वो किसान हैं जो पीआर धान लेकर के आए हुए हैं। लेकिन सरकारी पीआर धान की जो सरकारी खरीद है उसको बंद किया हुआ है, बावजूद इसके किसान लाइनों में खड़े हैं कि शायद सरकार इस पीआर धान की खरीद शुरू कर दे। इस इंतजार में पिछले दो तीन दिन से हैं। यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, मार्केट कमेटी के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। एक किसान भी यहाँ लौट रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली लेकर। आप ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहे हो क्या? धान लेके आ रहे हो? हैं, कौन सी धान ले रहे हैं? अच्छा, तो कहाँ से लाए? गड़ी जटान। अच्छा, ये खरीद नहीं कर रहे क्या? नहीं जी, गेट पास नहीं दे रहे। क्या कर रहे? अब इनका सर्वे हो रहे हैं, 104 गाँव है इंद्री के हल्के में, तो सर्वे चल रहे का, फिर बाद में बताएंगे। कितने? आज कल मैं घंटे दो घंटे में बता दूँ, कल बात होती। कब के आ रहे हैं आप? कल सवेरे के जी। कल सवेरे के आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, कितने ले धान? तीन ट्रेन लिया जी। हैं, तीन ट्रेन लिया अपने। तीन ट्राली है? कौन सा कौन बताया? गड़ी जटान। अच्छा, क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। ये किसान ने बताया कि वो गड़ी जटान से हैं, तीन ट्रालियाँ ये धान की है पीआर की, दो दिन से यहाँ खड़े हैं। और भी किसान हैं, देखिए लंबी लाइन आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन है किसानों की। ट्रैक्टर ट्रॉली लिए खड़े हैं। आप भी धान लेकर के आ रहे हो क्या? हाँ, टूडल आ रहा है भाई। कहाँ टूडल लेके आ रहे हो? हैं, पिछड़िया। अच्छा, नहीं इनमें लाइन नंबर क्यों लगा रखे हैं? तो पीआर वाले हैं। आप फेरा कर लीजिए सीधी। और क्या, जो ब्रेक वाले हैं वो तो सीधे ले जा रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, किसान आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। किसान इधर उधर हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है। देखिए, ये अपने आप को लोकल किसान कह रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है ये बाहर के, यानी हरियाणा से बाहर के क्षेत्र से बाहर के किसान बताए जा रहे हैं। ये ट्रॉली के पीछे का नंबर आप देखिएगा, नंबर जो लिखा है वो यूपी का नंबर इस समय ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लिखा गया है, लेकिन ये अपने आप को लोकल किसान। देखो ऐसा है जी, जो यहाँ की प्रॉपर यूरिया इंद्रिया लिखे का उसका तो दायित्व बनता है, यहाँ पर हक है उसका तो बेचने का, उसके गेट पास कटने चाहिए। बट एक बार देखते हैं ये प्रशासन जाकर के भी किसकी है कैसे क्या है, थोड़ा इसमें लगता है। देखो ये इंक्वायरी का विषय है जी, मैं अभी अपने मुंह से ये कहूँ बाहर किया है तो ये भी मैं उचित नहीं समझता, ये एक बार जांच का विषय है। ये बंद नहीं की, अभी बंद तो सरकारी खरीद अभी चलेगी, परंतु ये सारे हरियाणा के ही पीछे से बंद है। ये निर्णय लिया गया अभी ठीक जांच किया जाए
जिस किसान की ये वाकई हरियाणा के किसान की है उसका तो गेट पास कटेगा बिकेगी, उसकी तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं। अपने एरिया में कुछ ऐसा लगता है मेरे को, कुछ किसानों ने बारिश के मारे या सीजन की वजह से अपने घर में घेर ली, तो वो किसान लेकर के आए होंगे ये, ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ। वैसे तो बिजाई का समय चला हुआ है, आप भी समझदार हैं और किसान मेरे पास खड़े हैं खेतों में, तो देखो इस समय मेरे को नज़र आती नहीं कहीं, परंतु ये जरूर है अभी किसान इतना व्यस्त हो जाता है वो फिर अपने घर में घेर लेता है भी फसल बो करके बाद में बेच लूँगा। हाँ जी लोकल है, मैं ये कब कह रहा लोकल नहीं है, अपने किसान है अपने अच्छे बढ़िया। देखो ये बात थोड़ी है, तो मैं ज़्यादा बात में ना जाता हुआ, किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देगी ये सरकार, और इतना बढ़िया है सरकार ये काम कर रही। नहीं दिक्कत बात नहीं, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत और भी आती है किसान को, रात को बारह कोई भूलता थोड़ी है, बट 1960 की बजाय 2060 तक बिकी PR-14 और वो राइस मिल से लेकर के किसान के खाते में पैसे दिए, तो ये सरकार की उपलब्धि नहीं है क्या? हाँ जी मैं बात तो बात एक मिनट मान लिया आते तुलगी और 1-2 हज़ार का घट हो गया वो ठीक रहेगा? देखो एक व्यवस्था बनाने में दिक्कत तो आती है, व्यवस्था कोई भी काम हो उसमें दिक्कत आती है। हाँ भाव में किसान के साथ अत्याचार नहीं हुआ ये मैं दावे से कह सकता हूँ, 1960 प्लस PR-14 2050-60 तक तो मैंने बेची, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और भी एक और मैं बताऊँ बात, किसान भाई भी खड़े हैं, जब तक जितना जितना पोर्टल सही ढंग से हो जाएगा उतना किसान को ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जितनी जीरी कम होगी यहाँ सेलर वाले तो बुड़ के मारेंगे जीरी माँ आदरणीय निर्मल जी, ये समझो बात ना, अगर बाहर उत्तर प्रदेश से जीरी यहाँ पर आएगी तो हरियाणा के किसान को रेट नहीं मिलेगा, इसलिए भविष्य में भी अब भी गड़बड़ है मामला, क्योंकि जैसे बासमती वाले खेत हैं ईख वाले खेत हैं वो PR बना दिए। नंबर दो ये मैं खुले में कहता हूँ, ये जो यमुना चली हुई है बेल्ट जिसमें पानी बहता है वो ओनरशिप किसकी है? हरियाणा के किसान की है, पोर्टल फर्जी, वो फर्जी कहाँ से आती है? उत्तर प्रदेश से। नुकसान किसको होता है? हरियाणा के किसान के, इंद्रिय किसान का। हाँ जी ये मैं जांच का विषय है, ये मैं सचेत कर रहा सरकार को, ये ठीक किसान की ठीक, अगर पोर्टल हो गया तो किसान को कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। नेक्स्ट भाई सारी बात देखो, बरसात ने कितना बुरा हाल किया, 8-7 दिन बरसात में बुरा हाल हो गया, कुछ दिनों राइस मिलों ने हड़ताल कर दी, दिक्कतें कही है ना जी, ये बात तो मतलब ऐसी नहीं है, सरकार कोई किसान का बुरा नहीं चाहती, पर वो मानसिकता देखो बन जाती है कुछ हो भी जाता है जी, कई बार बिना चाहते पूरा बस वो हो तो तीन अब तो बीमार देखो अब तो ये जवाब कहां से आ रहे हैं आप, जीने लेके आ रहे हैं क्या? हाँ जी हम तो लाडवे आए थे जी, जी गांव से जी लाडवा है जी, लाडवे थी तो आए, पर मान लो महाराज है ना यू कुल छत्तर वाला लाडवे के बीच में कौन पड़ता है? यूपी की, चलो जी यूपी की हो, गांव बता दो आप, सुसोली है जी, करणदीप की आई महाराज है, कहाँ इंद्री कहाँ सोली क्या तो इस बात का ठीक है तो क्या बन गया, जांच का विषय बन गया ना जी, जांच करवा लो जी कोई बात नहीं। अरे यार तुम तो भी खान नामे तो जाओ कर लगे, अजी नहीं मान लो बात तो सही होती है, पंचायती बात कह रहे हम, सारे कोई बुराई मनी है, सारा देश अपना सारे भाई एक है, हम ये नहीं करते अलग अलग, पर सोली का इंद्री का फर्क है बात का, इंद्री का कहाँ जाएंगे, इंद्री वाले तो फिर करना पड़ना पड़ेगा, बरसात में खेत डूब गए थे, लेट आई थी जो पौध मिली अपने यहाँ, बरसात हुई थी डूंगे में खेतों में पानी में भरे पड़े थे जी, जो पौध मिली मोटी 128 वो लेकर है अपनी, मेरी डेढ़ किले की है जी, यहाँ कल के खड़े जी कह रहे आज कटेंगे देखो गेट पास, सारे लोकल जी हम तो लोकल है जी, हम तो अपनी कह रहे बाकी हो चाहे ना, हम तो अपने यही के हैं जी लोकल है, जोड़ माजरे से जोड़ माजरा।
यही किया। लेट ब्रेड ही दिया ये, लेट ब्रेड दिया। कल ही कह रहे आज खुला ही, कहते कल को बोल्डी खुला की पता कुछ नहीं, तो कल के खड़े 5 बजे गए। अभी जीरी की खरीद नहीं, बंद कर गया। बस देखते हैं आज और, आज और देखते हैं, आरती को दे देंगे, आरती ले लेंगे और क्या। अरे ये सीधा लाइव देख रहे हैं इस समय आप, इंद्री के जो अनाज मंडी है उसके बाहर का दृश्य हम दिखा रहे हैं। पहले दूसरी साइड का आपको दृश्य दिखाया था, कुछ किसानों से मिलवाया था, लेकिन कुछ किसान जो है झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह अपने आप को स्थानीय बता रही हैं, लेकिन है बाहर के। जैसा अभी एक सिसोली का व्यक्ति यहाँ नज़र आया था, वो यूपी से आया, वो अपनी धान लेकर के, कुछ यूपी के ट्रैक्टर भी हमने आपको दिखाए हैं, और भी लोगों से हम आपकी बात यहाँ करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जो जितने भी ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान आए हुए हैं वो दाएं बाएं हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर नहीं है। कुछ तो हरियाणा के नंबर हैं ये दिखा रहे हैं हम, लेकिन बहुत सारे जो इनमें ट्रैक्टर हैं और धान है वो स्थानीय नंबरों पर लेके आ रहे हैं, लेकिन है धान बाहर की, कुछ दूसरे प्रदेशों से, यूपी है वहाँ से भी कुछ किसान यहाँ आए हुए हैं और अपनी धान लेकर के आए हैं कि शायद जो सरकारी खरीद है वो उस धान की हो जाए। लेकिन इस समय एक और ट्रैक्टर पर यहाँ किसान, आप धान लेकर के आ रहे हैं? मिस्त्री है, कहाँ से? इंद्री से। क्या बात हो रही? सलेंसर फिट कर रहा है सर। सलेंसर फिट कर रहा है। खराब हो गया? हाँ जी। अच्छा, चाबी चुबी तो ले रहे हैं? अच्छा, वाकई हम पक्का मिस्त्री है भाई। कहाँ की है ट्रैक्टर ट्रॉली? सर पता नहीं, ड्राइवर ने पता, इंद्री के ट्रैक्टर थे। हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ, किसी ने बुलाया तो होगा आपको? सर मैं तो सलेंसर फिट करना रहा सर। क्या नाम है? राजेश कुमार जी। अच्छा, इंद्री से? हाँ जी। अच्छा, तो देखिए कुछ किसान भी हैं, मिस्त्री भी अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन ये लंबी लाइन है आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली की लगी हुई है। ये नंबर है, मोबाइल नंबर देखिए कहाँ का है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर देखिए, ये लंबी लाइन है। और जबकि जो यहाँ के मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं, शायद उन्होंने, क्योंकि जो हमें गेट पर जानकारी मिली है, उन्होंने मना कर दिया भी, अभी सरकारी खरीद नहीं हो रही है, बावजूद इसके लोग लाइनों में लगे हैं, भी शायद उनका नंबर कहीं पड़ जाए। कोई जो इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर किसान हैं वो कहीं यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, यदि उनसे बात करें तो फिर वह अपने आप को स्थानीय बता देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग छुपे हुए हैं, कोई दाएं है, कोई बाएं है, इस तरह से लोग इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हैं, धान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आपको दिख रहा है, लेकिन खरीद नहीं हो रही है। खरीद इसलिए नहीं सरकार कर रही है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि स्थानीय जो किसान है उनके धान, लगभग आप धान लेकर के आए हैं क्या? हाँ जी। धान लेकर के आए हैं? हाँ से आए हैं। ये दरड़ से है? दरड़ से यहाँ लेकर के आए हैं? कब क्या रहे? कब क्या है? सुबह के सुबह, आज सुबह। आज सुबह ही आए? देखिए किसान है, दरड़ के किसान है, आस पास के किसान भी हैं और वो अपने धान लेकर के आए। एक और किसान यहाँ बैठे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली बैन से भी जानेंगे, कहाँ से आए हैं आप? दरड़ तो। दरड़ से? हाँ जी। क्या लेकर के आए? जीरी। कौन से वाली? मोटी। मोटी तो क्या कह रहे हैं अभी? अभी जी गेट खोल लेंगे, देखो कितने बजे खुलेगा। अच्छा, नहीं गेट तो खुल रहा है। काट रहे हैं? काट नहीं रहे जी, पता नहीं भाई गया आगे। अच्छा, पता करने गया। तो ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और धान से भरी हुई हैं, ये जो जिनसे हमने बात कराई थी ये अपने आप को इंद्री हल्के के निवासी बता रहे हैं, धरड़ के। और भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग आए हुए हैं जो मोटी धान है वो लेकर के आ रहे हैं। हम आपको सीधा लाइव इस समय इंद्री की अनाज मंडी के बाहर से दिखा रहे हैं। आप धान लेकर के आए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जिनेशनों के। जिनेशनों के? कौन से वाले धान ले रहे हैं? 125 PR 14। अच्छा, मोटे वाले? हाँ जी। ये लेट क्यों देते आप? आपके कारण जी, डूंगे खेत थे हमारे, पहले 14 लाई थी, वो बरसात में सारी खराब होगी। अच्छा। फिर मौके पर जो सी पौध मिल गई जी वो लगा लिया हमने। अच्छा। तो अब कह रहे हैं अभी गेट पास बंद है, आज कह रहे खुल जाएंगे, मगर कल के खड़े हम तो। अच्छा,
देखो आज कह रहे जी खुल जाएंगे, देखो कब तक खुलेंगे, इंतजार करोगे? बस देखो जी कुल खोलने तो पड़ेंगे जी, और कहाँ ले जाएंगे, नहीं खोल ले तो फिर प्राइवेट का बेचेंगे, और फिर लास्ट हथियार तो यही है जी। देखिए ये किसान है जो अपनी जो समस्या है वो बता रहे हैं कि क्यों वो लेट हुए हैं, किस कारण से लेट हुए हैं। वास्तविकता तो ये जाने, एक और ट्रैक्टर देखिए लाइन में लग रहा है लेकिन चल रहा है, शायद ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा होगा इसलिए चल रहा है, कितनी देर चलेगा ये देखिए। बहुत सारे जो किसान हैं उनसे हमने आपकी बात कराई थी और लाइनों में आके लग रहे हैं। आप भी धान लेकर के आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? दिनेश रो है। हाँ जी दिनेश रो। आपके भी बहुत सारे दिनेश रो हैं, दिनेश रो में ऐसी कौन सी जगह? ये भी दिनेश रो की है ट्राली। हाँ अगले भी दो तीन और कर दिनेश रो। हाँ जी। क्या नाम आपका? अमनदीप। हाँ जी। अच्छा कितनी ले आए धान? मेरी होगी 1.5 किले की। हाँ 1.5 किले की। लेट क्यों हो गए? बस लेट हो गए बारिश में। अपना दे रहे हैं सच्चाई क्या है, लग रहा है कुछ दाल में काला भी है, ये देख रहे हैं आप सीधा लाइव जनता हलका पर। इस समय हम इंद्री के अनाज मंडी के बाहर का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, एक पक्ष एक साइड का हमने आपको दृश्य दिखाया था। ये लंबी लाइनें जो सड़क पर लगी हुई हैं इसके कारण सड़क पर जो यातायात है वो भी प्रभावित होता है, आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रही है। ये कई दिन से किसान यहाँ खड़े हुए हैं लेकिन जो धान है पीआर धान उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। अब ये जो खरीद कब शुरू होगी इस बारे में अभी कोई जानकारी ना तो किसान को है ना यहाँ जो बैठे हुए गेट पर लोग हैं उनको है, जो गेट पास काट रहे हैं उनसे भी हम आपकी बात अभी कराने वाले हैं कि आखिर ये लोग कब तक खड़े रहेंगे, कब गेट पास कटेगा इनका या नहीं कटेगा। हाँ मिल के आए हैं? मिलाए क्या कह रहे हैं? अभी तक अभी कुछ नहीं बता रहे। अच्छा हाँ जी, बुरा हाल है, मानो सुबह के खड़े हैं, चाय का घूट पी रखा है 4 बजे का, तो चलो लाइन में जाके लग जाएंगे। अब पता नहीं किस टाइम ये गेट खरीदो नहीं तो बता दे। बात तो वही है ना, गेट पास जाएगा तो फिर पता लगेगा क्या कुछ का होगा अंदर क्या नहीं है। किसानों का बुरा हाल है कुल मिला के। मेरे को ये समय इंद्री के जो अनाज मंडी है उसके गेट नंबर 2 पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ देखिए जो कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं जो दूसरी बारीक वरायटी जिनमें धान की है वो तो निकल रही है लेकिन जो मोटी पीआर वाली धान है वो लोग नहीं जा रहे हैं। ये जो कुछ किसान हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके आए हैं वो यहाँ खड़े हैं। यहाँ एक कर्मचारी भी गेट पर बैठे हैं, हम इनसे बात कराएंगे आपकी। हाँ जी क्या कहना है आपका, ये जो बारीक धान है ये चल रही है, मोटी धान नहीं चल रही है क्या? जी सर, जी सर जी सर, ब्रेक दान चल रही है, मोटी दान नहीं चल रही है सर। अच्छा कब तक चलेगी? पता नहीं सर, अंदर से बोल रहे हैं भाई चल जाएगी, मतलब आज का वो है भाई चल जाएगी, मतलब चलेगी सर, तो ये नहीं पता सर, का कंफर्म नहीं है भाई कब तक चलेगी। चलेगी भी या नहीं ये भी नहीं। हाँ ये भी नहीं पता सर कब तक चलेगी। ऑर्डर आपके पास आएंगे तो आप? हाँ हाँ जी सर, हम चालू कर देंगे, अंदर से ऑर्डर आएगा सर हम कर देंगे। ये तो अभी अभी आया जी, बस एक मिनट हुआ बाहर, 1 मिनट हुआ जी बस खड़े हुए, ये परसों 24-25 घंटे हो गए सर इधर खड़े। अच्छा हाँ किसमें जाएगी? पास आते हैं? हाँ हाँ पूछते हैं भाई कब तक जाए, कब तक चलेगा कब तक नहीं, तो बस हम लोग यही बताते हैं सर, कल तो यही बता रहे थे भाई चलेगी नहीं, अब बोल रहे हैं आज भाई चलेगी, तो इसलिए इनको भी बोला है भाई आज चलेगी, अब ये नहीं पता सर कब तक चलेगी कब तक नहीं। हाँ हाँ ये कर्मचारी जो गेट पास यहाँ काटते हैं उनका कहना है कि अभी कोई उनके पास सूचना नहीं है। क्या नाम है जी अपना? रामकरण सर। रामकरण। कब से काम कर रहे हैं? 1 महीना हो गया सर यहाँ पे। ये रामकरण थे जो गेट पास काट रहे हैं, यहाँ किसानों का सामने किसान आते हैं गेट पास कटवाते हैं, लेकिन जो बारीक वाली है वो तो चल रही है बारीक वाली धान, और जो पीआर धान है उसके गेट पास नहीं कट रही है। देखिए जो जा रहे हैं ये बारीक वाली धान वाले जो किसान हैं वो जा रहे हैं गेट पास, इनका भी कट रहा है, लेकिन जो पीआर धान है उसके गेट पास नहीं कट रहे क्योंकि सरकारी खरीद नहीं है, प्राइवेट में कोई बेच सकता है लेकिन सरकारी खरीद उनकी नहीं है। ऐसा जो कहा जा रहा है कि ये जो जितने पीआर धान के लाने वाले लोग हैं किसान हैं वो अधिकतर बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और वो लोग यहाँ पीआर धान ले करके आ रहे हैं, और इसलिए कि उनकी यहाँ सरकारी धान की खरीद हो जाए, लेकिन सरकारी खरीद बंद हो चुकी है और वो दोबारा से यदि खुलेगी तो
तो तभी खरीद होगी, लेकिन ये लोग इंतजार में हैं। ये देख रहे हैं आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लंबी लाइन इस समय लगी हुई है। देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है और ये लाइनें लंबी हैं और ये किसान इस इंतजार में हैं कि उनकी जो धान की खरीद है वो सरकारी खरीद हो जाए। ये कुछ और किसान हैं, ये जो बारीक वाले धान लेकर के आ रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं मंडी में। इनके लिए तो कोई रोक नहीं है, रोक तो इनके लिए भी नहीं है, लेकिन सरकारी यदि वो खरीद कराना चाहते हैं, सरकारी खरीद नहीं है। सरकारी खरीद के लिए जो गेट पास कटता वो इनका गेट पास। आपने सुना किसानों को, आपने सुना जो गेट पर कर्मचारी है गेट पास काटने के लिए, उनको वो क्या कह रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उनके पास कोई आदेश इस समय नहीं आए हैं सरकारी धान की खरीद के, लेकिन बावजूद इसके किसान बाहर लाइनों में खड़े हैं। हम अधिकारियों के पास, यहाँ मार्केट कमेटी के अधिकारियों के पास पहुँचे थे, लेकिन अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया कैमरे पर। लेकिन उनका ये कहना है कि जो सरकारी खरीद के आदेश हैं पीआर के, वो अभी तक उनके पास नहीं हैं, और यदि कोई आदेश आएंगे तो वो खरीद कर लेंगे। लेकिन बाहर जो किसान हैं वो अभी इंतजार में हैं कि शायद पीआर धान के सरकारी खरीद के आदेश मिल जाए और उनकी धान खरीद कर ली जाए। अधिकतर इन किसानों में जो जानकारी मिली है, अधिकतर इन किसानों में इस क्षेत्र के किसान कम हैं और बाहर के दूसरे राज्य के, उत्तर प्रदेश के और आसपास के जो किसान हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिर इन किसानों को चिंता है कि आखिर वो कब तक लाइनों में खड़े रहेंगे। आप भी सुनिएगा और आप इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्तव में ये कौन से किसान आपको नजर आ रहे हैं और सरकार की नीयत और नीति क्या है। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।